अगर आप लीवर पेट संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं और दवाइयों का सेवन कर परेशान हो चुके हैं तो हिमालय की गोद में पाई जाने वाला ये पौधा आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। कई असाध्य बीमारियों में रामबाण चिरायता औषधि गुणों से भरपूर है। यह 1500 मीटर से लेकर 2200 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से उगाया जा सकता है। चिरायता पर बीते 10 सालों से कार्य कर रहे डॉक्टर राजीव रंजन कुमार बताते हैं कि चिरायता मलेरियल फीवर ब्लड प्योरीफाई समेत कई बीमारियों में लाभकारी है। व्यावसायिक रूप से उत्तराखंड के चमोली जिले व हिमाचल के चंबा में मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य हिमालयी इलाकों में भी इसकी खेती के प्रयास किए जा रहे हैं। बताते हैं कि यहाँ कम उत्पादन होने के चलते नेपाल से बड़ी मात्रा में इसका आयात किया जाता है। डॉक्टर राजीव रंजन बताते हैं कि चिरायता के औषधीय गुणों के कारण फार्मा कंपनियों में इसकी भारी डिमांड रहती है। हिमालयी औषधीय चिरायता का प्रयोग कई बीमारियों में किया जाता है। डॉक्टर राजीव रंजन बताते हैं कि चिरायता में मौजूद मेथनॉल मनुष्य का उपापचय बढ़ाकर वजन कम करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी यह कार्य करता है। कहते हैं कि यह करेला व नीम की तरह ही कड़वा होता है। चिरायता शुगर समेत त्वचा रोगों लीवर कैंसर जैसे रोगों में भी लाभकारी है। डॉक्टर राजीव रंजन बताते हैं कि इसका काढ़ा बनाकर भी सेवन किया जाता है। चिरायता को एक अच्छा लीवर डिटॉक्सिफायर माना जाता है। कब्ज पेट से जुड़ी बीमारी में चिरायता बेहतर विकल्प है। इसके लिए चिरायता के पौधे से बना काढ़ा बनाकर तब तक पीना चाहिए जब तक कि कब्ज ठीक ना हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन कुमार हुआ और मैं यहाँ हैप्रेक संस्था में शोधार्थी हूँ और मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ चिरायता पे, स्वच्छ चिरायता पे। चिरायता एक हिमालयन मेडिसिन प्लांट है, क्या कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या है बेसिकली चिरायता? बेसिकली चिरायता जो है बाइनियल हर्ब्स है और जेंटिनेस फैमिली में आता है और इसके जो कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जेंसन्स होते हैं वहाँ जेंटिनेस होते हैं और स्वेटी चेरिन्स होते हैं और बेसिकली ये फीवर मलेरियल फीवर में काम आते हैं, ब्लड प्यूरीफायर है एक और स्किन डिजीज में भी काम आते हैं और इसको बेसिकली और इसके आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में भी दवा का फॉर्मेशन बना के काफी कैंसर तक भी इलाज किया जा रहा है। कितने हाइट पर ये उगता है और इसके कल्टीवेशन की? बेसिकली ये 1500 मीटर से लेके और 2200 मीटर तक होते हैं और इसके जो एसिडिक सॉइल में होते हैं और हमारे पहाड़ों की सॉइल एसिडिक होते हैं, जहाँ एसिडिक होते हैं वहाँ सिचुएशन अच्छे होते हैं वहाँ पे। और जिसे प्रोपेगेशन दो तरह से होते हैं, एक तो शीत के थ्रू होते हैं और एक होते हैं टिश्यू के थ्रू, जो उत्तक संवर्धन जिसे कहते हैं। और इसके लिए बेसिकली इसमें मीडिया बनाते हैं, मीडिया में जो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जिससे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया नाइट्रेट्स, कैल्शियम क्लोराइड्स और मैग्नीशियम सल्फेट्स आते हैं, ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ गए कॉपर, कोबाल्ट, सोडियम मोलिब्लेट्स और मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स, ये सारे आते हैं। तो इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट और इसको फ्यू अमाउंट जरूरत होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट में लार्ज अमाउंट जरूरत होती है, इसलिए बेसिकली इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इसमें विटामिन भी यूज करते हैं, विटामिन B6, ये विटामिन से कंपोजिशन होते हैं और आपके व्यवसाय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्या कुछ? हाँ, व्यवसाय के रूप में हालांकि उत्तराखंड में चमोली है और हिमाचल में चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी इसका एयरोटेनिक्स कर रहे हैं और हमारे डीबीटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी लगाया है और ये सही हो रहे हैं। और ये हालांकि इसका मार्केट वैल्यू 350 रुपये से लेकर 400 रुपये डाइवेट लोकल 18 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से कमल पिमोली की रिपोर्ट।